कहते हैं जिंदगी आइसक्रीम की तरह होती है, पिघलने से पहले खा लेनी चाहिए। या फिर थोड़ा मैच्योर साउंड करना हो तो कहूँ, जिंदगी हाथों में रेत की तरह होती है, लम्हे जब तक मुट्ठी में हो जी लेने चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें मैंने किताबों में पढ़ी थी, सुनी भी थी, लेकिन एम्बिशन और जिम्मेदारियों के चक्कर में कब रेत हाथों से फिसल गई, आइसक्रीम पिघल गई, पता ही नहीं चला। हनीन मेरी एमरजेंसी नंबर वन हो गई। सब लोग बहुत खुश थे, माय ब्रदर, माय फियांसे, इनफैक्ट उसे तो लगता था जैसे जैसे सब कुछ बहुत अच्छा है, रुपया, पैसा, धन दौलत, शोहरत, लाइमलाइट, जैसे पिक्चर परफेक्ट। पर ना जाने क्यों मुझे कुछ कमी लगती थी। हाँ, मैं शायद लोगों को ना समझ पाती हूँ, लेकिन फिर भी महसूस कर सकती थी कि किरदार तो सब है, लेकिन रंग रंग भी क्या है। Until I met Raj, Raj Diwan, I mean, उसका सरनेम दीवान नहीं दीवाना होना चाहिए था। पता है, जब मैंने उसे पहले दिन अपने ऑफिस में देखा था तो ऑनेस्टली आई डिसलाइक हिम। मतलब एकदम सुस्त, बहानेबाज और एक नंबर का ड्रामेबाज इंसान लगा मुझे। मैंने तो सोचा था कि एक महीना खत्म होते ही उसे नौकरी से निकाल देंगे। पर हुआ इससे उल्टा, वही मुझे निकाल कर ले गए। मेरी अपनी ही सीट से बहुत दूर, मेरे कदमों में फूल ही फूल बिछा थे, मेरे हर ख्याल को रंग दिया उसने। सब कुछ कितना हसीन हो गया, समंदर का किनारा, चांदनी रातें, डिनर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई मीन, क्या कहूँ, मैं बिल्कुल बदल गई थी, हर रिश्ते से अलग हो गई थी। एक कामकाजी लड़की को उसने क्या से क्या बना दिया, मैं प्रिंस चार्मिंग गाय। वो क्या कहते हैं, इश्क ने निकम्मा कर दिया, वरना बंदे थे हम भी कुछ काम के, समथिंग समथिंग समथिंग, है ना, इज़न्ट इट ट्रू।